कैसा सांसद चाहते हैं क्या? नहीं ना, तो ध्यान रखो हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे, ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। संसद सत्र के बाद उन चीजों को क्रियान्वित करने के लिए हम यहाँ रहेंगे, आपकी सुनेंगे, जो भी समस्या है हम वहाँ जाकर के समाधान करवाएंगे। यहाँ उसको उपयोग लाना है, जो हमारी धनराशि हमें मिलेगी आप लोगों के लिए मिलती है, खर्च आप लोगों के ऊपर करना है, यही होना है। पर अगर हम वहाँ नहीं जाएंगे, नहीं जानेंगे, तो बाकी के कुछ ऐसे सांसद हैं जो 15 साल हो गए, उनको 3 उनका लोकसभा क्षेत्र निपट चुका है, लेकिन एक बार भी नहीं बोले, ठीक है ना। आप ऐसा सांसद चाहते हैं क्या? नहीं ना, तो ध्यान रखो हम नाली साफ करवाने के लिए नहीं बने, ठीक है ना। हम आपका शौचालय साफ करने के लिए बिल्कुल नहीं बनाए गए। हम जिस काम के लिए बनाए गए हैं वो काम हम ईमानदारी से करेंगे, ये हमारा पहले भी कहना था, आज भी कहना है और करना है और आगे भी करेंगे। बताना चाहिए सांसद के काम, सांसद को बताना चाहिए। सांसद का काम है कि हम विधायक, पार्षद, मंडल अध्यक्ष, बाकी सबसे मिल करके और फिर यहाँ का विकास करें। परंतु जहाँ स्थानीय समस्या होती है उसके लिए जो लोग अपने चुने हैं वो तो बताएंगे ना, अपने को उनसे भी काम करवाना है पूरी टीम के साथ। और मुझे विश्वास है इस बात का कि आपने जिन नेता को चुना है कम से कम काम तो आपके बीच में करते हैं, आपके अप्रोच में है ना। यहाँ के नेताओं की अच्छी चीज मैंने देखी, जनता में एक अच्छा विश्वास है, इसके सहयोग से काम करो। आपको सीधा सा एक फोन नंबर सहजता से मिल गया और आपने लगा दिया। हम किस परिस्थिति में क्या कर रहे हैं? कार्यकर्ताओं की भावना जुड़ी रहती थी आपसे, हर एक कार्यकर्ता भावना जुड़ी है भैया, लेकिन ये तो सोचो कि स्थिति परिस्थिति क्या है। आज तक मैंने बिना कहे यहाँ रेलवे की समस्या उठाई, मालूम है आपको? जी बिल्कुल पता है, हमने तो अपने पोस्ट पे भी नहीं डाली इस चीज को, लेकिन यहाँ रेलवे की जो जितनी भी गाड़ियां यहाँ चलती हैं वो यहाँ स्टॉपेज होता है, इसके लिए मैंने वहाँ आवाज उठाई।